हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज है फ्राइडे, तो बात होगी एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक की। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जब पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं, स्पेशली जब स्टॉक और एमएफ का पोर्टफोलियो साथ में ट्रैक करना पड़ता है ना, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्योंकि एक ऐसा पोर्टफोलियो ट्रैकर, ठीक है, जहाँ पर बहुत ईजी ट्रैक भी कर सकें, थोड़ा सा प्ले भी कर सकें, राइट, अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकें, है नहीं ऐसा कोई अवेलेबल, राइट। तो उसकी वजह से काफ़ी बार क्या होता है ना कि मल्टीपल सिस्टम्स की ये स्टॉक का पोर्टफोलियो यहाँ पे है, और उसमें भी अलग अलग डीमैट अकाउंट्स हैं, अलग अलग एमएफ अकाउंट्स हैं, तो एक बहुत कंबरसम एक्टिविटी हो जाती है कि पोर्टफोलियो को आखिर ट्रैक कैसे करें। और अगर हम एक्सेल वगैरह में करेंगे तो फिर वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो करें कैसे, उसके बारे में बात करेंगे कि आज पोर्टफोलियो को ट्रैक हम गूगल शीट से कैसे करें, क्योंकि गूगल का एमएस एक्सेल है एक तरह, उससे कैसे करें। और काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है गूगल ने, बोथ स्टॉक और एमएफ स्टार्ट किया है उसमें, तो वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आगे और भी फीचर्स आ रहे हैं, तो मैं जो बेसिक फीचर्स है जिससे अपना मेजर काम हो जाता है वो यहाँ पर शो करूँगा आपको, विद फॉर्मूला समझाऊँगा कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहला तो ये करते हैं कि पोर्टफोलियो ट्रैकर भी है एक investindia.in के पास, राइट, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो शो करता हूँ क्विकली कि पोर्टफोलियो ट्रैकर के एडवांटेजेस क्या हैं। कि ऑब्वियसली वहाँ पे आप सब कुछ इजी है, एक साथ एक्सेल से अपलोड कर सकते हैं, जीरोधा अकाउंट है तो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं स्टॉक होल्डिंग्स, और सारे जो है आपको एक साथ सब चीज़ दिख जाती हैं, इम्पोर्ट करना बहुत ईजी है। तो आपके पास कोई भी, मतलब हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, स्टॉकोमीटर है, फंडोमीटर है, तो आप ये सारी चीज़ें ईजिली अपलोड करके एंड इजीली सारा गेंस गेन XIRR वगैरह सब कुछ एक साथ एक जगह पे दिख जाता है, और ये ऐप पे भी दिखता है हमारी। और सिमिलरली एमएफ और ETFs भी आप एक जगह पे सारे इजीली ट्रैक कर सकते हैं, SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर। ऑब्वियसली इट इज़ मच मोर एडवांस्ड, बट कई लोगों को एक्सेल बेस्ड चाहिए होता है, फटाफट स्टार्ट करो, राइट। तो उसमें हम बात करेंगे कि गूगल शीट पे ये कैसे होगा, ठीक है। तो गूगल शीट पे अगर आप जाएंगे, मैंने एक जैसे कि गूगल शीट खोली है और एक कुछ डेटा ऑलरेडी डाला है ट्रैक करने के लिए, इसी तरह से आप भी यहाँ पर डेटा डाल सकते हैं। तो सपोज़ मेरे को रिलायंस का स्टॉक का डिटेल्स ट्रैक करनी है, और वो मेरे को अपना पोर्टफोलियो उससे ट्रैक करना है, तो क्या किया है मैंने यहाँ पे कि रिलायंस क्या कहते हैं कंपनी का नाम जो है उसका रिलायंस का कोड समझना है पहले, कि भाई रिलायंस जो है उसका NSE कोड क्या है या PSE कोड क्या है, तो वो कोड यहाँ रखो पहली बात। फिर CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आज का मार्केट प्राइस क्या है, तो वो मैंने सिंपल एक गूगल फिनेंस का यहाँ पर सिस्टम है, गूगल फिनेंस करके ब्रैकेट डालो और उस कोड को, ठीक है, यहाँ पर ये इसको NSE का भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये और इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये देखो यहाँ पर अपडेट हो गया, तो NSE रिलायंस करके ऐसे गूगल कोड है, तो यहाँ पर ये कोड आ जाएगा। आप मार्केट कैप भी सिमिलरली B2, राइट, यहाँ पर है ना ये कोड उसको रखिए, साथ में मार्केट कैप ब्रैकेट्स में लिखिए, तो करंट मार्केट कैप इस कंपनी का आ जाता है, PE भी आ जाता है करंट, वन डे गेन भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी आज ये स्टॉक जो है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो -1.83%, ये परसेंट है, चेंज परसेंट, तो -1.83% गिरा है। किस करेंसी में है, अगर आपके पास स्टॉक्स US वगैरह के भी हैं, दूसरे कंट्रीज़ के स्टॉक्स भी हैं, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं, तो US डॉलर में है, कौन सा स्टॉक INR में है, तो वो बहुत ईजी है, वो आप पोर्टफोलियो ट्रैकर इन्वेस्ट इंडिया में नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल ज्योग्राफीज़ में पैसा डालते हैं। तो 52 वीक हाई क्या था इस स्टॉक का, तो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा एनालिसिस भी हो जाता है, राइट, और 52 वीक लो क्या था वो भी समझ आ रहा है। अब आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, तो मेरे पास सपोज 10 स्टॉक है एग्जाम्पल, और मेरा एवरेज बाइंग प्राइस जब आप करते हैं किसी भी डीमैट अकाउंट से, तो आपको एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाता है वहाँ पे, तो वो यहाँ पर डाल दो कि मेरा एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। तो जैसे सपोज 1842 रुपीज़ एक एवरेज बाइंग प्राइस है, तो मेरा कॉस्ट वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, वो ये मल्टीप्लाई बाय ये मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया हुआ है, और करंट वैल्यू क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू CMP है ना, तो उसका करंट वैल्यू ये होना चाहिए 23390। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह जो लगेगा वो लगे, तो एब्सोल्यूट गेन आप करंट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू के हिसाब से सिंपल एक फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने गेन का, ठीक है ना, एब्सोल्यूट गेन का। तो इस तरह से अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेरे को रिलायंस में 27% का एब्सोल्यूट गेन है 10 स्टॉक में मेरे, ठीक है। इस तरह से मैंने अब ये एक बार फॉर्मूले सब सेट हो गए तो बहुत ईजी है। अब क्या करना है, SDFC लिमिटेड
इसका कोड क्या है, NSE कोड SDFC, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और BSE कोड भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उसके बाद तो सिंपल कॉपी पेस्ट है। अब मैं जैसे एक कंपनी का किसी का ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है आपको। अभी कौन सी कंपनी लूँ यहाँ पर, सपोज हम लेते हैं हिंदुस्तान लीवर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान लीवर का NSE कोड क्या है, ठीक है, NSE कोड है ये। तो अगर ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले हिंदुस्तान लीवर, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर उसका NSE कोड लिखा, ये लिख दिया। अब मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करने हैं ऊपर के फॉर्मूले, सब कॉपी पेस्ट यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब वैल्यूज इमीडिएटली पॉपुलेट हो जाएंगी। तो ये मेरा करंट प्राइस है, ये मार्केट कैप है, ये PE है उसका, ये मेरा उसका गेन है, INR में है पैसा, 52 वीक्स हाई क्या था, लो क्या था। अब मेरे पास कितने स्टॉक्स हैं इसके, तो सपोज 20 स्टॉक्स हैं। मेरी एवरेज बाइंग प्राइस आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला तो सपोज 2200 रुपये है, राइट। तो अब उसके बाद ये तीनों फॉर्मूले भी पुट कर दीजिए, बस हो गया, राइट। कितना सिंपल है, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है, पावर जो है वो है, यही चीज़ आप MF में भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ कोटक फ्लेक्सी कैप MF का कोड लिखा है, कोड कहाँ से मिलेगा बताता हूँ। तो उसकी करंट NAV मिल जाएगी आपको, एक दिन का गेन मिल जाएगा NAV का, ठीक है। बस यही चीज़ चाहिए। अगर आपको एक NAV करंट मिल जाती है तो आप नंबर ऑफ मेरे पास यूनिट्स कितने हैं वो देख लो, मैंने एवरेज बाइंग प्राइस क्या है मेरे यूनिट्स का वो देख लो, और कॉस्ट वैल्यू करंट वैल्यू वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। फिर एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। तो कौन सा फंड लें बताओ, तो जैसे मैंने सपोज मेरा ये, चलो SBI स्मॉल कैप लेते हैं। तो SBI स्मॉल कैप का डायरेक्ट प्लान सपोज मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका जो कोड है वो ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक रो, यहाँ लिखूँगा SBI स्मॉल कैप MF, ठीक है। यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट करूँगा। अब ये इसमें स्पेस होता है कोड में, ये ध्यान रखना, तो ये हटाना पड़ता है। ये कोड को मैंने स्पेस हटा दिया, थोड़ा बोल्ड को हटा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उसकी NAV यहाँ से मिल जाएगी, मुझे कॉपी पेस्ट करना है सिंपल, वन डे गेन कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मेरे पास कितने यूनिट्स हैं उसके वो देख लो आप, सपोज आपके पास सब कुछ भी डाल दो यहाँ पर, मतलब जो भी है मैं रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, तो 512 यूनिट है, ठीक है। और मेरा कितना प्राइस है, तो 123 की अभी NAV है, सपोज मैंने थोड़ा महंगा खरीदा था, 126 की NAV पे खरीदा था, ठीक है। अब इसके बाद ये सारे फॉर्मूलेस यहाँ पर ऐसे लग जाएंगे। तो ये मेरे को मेरा एब्सोल्यूट गेन माइनस में है, ठीक है, और इस तरह से मेरा ये MF का भी हो गया, है ना। हाँ, सो अब जो है यहाँ पर मैंने सम ले लिया है सबका, तो क्या आपको पता है कि मेरी ये कॉस्ट वैल्यू है, ये मेरी करंट वैल्यू है, और कितना परसेंट है एब्सोल्यूट गेन, 9% का एब्सोल्यूट गेन है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एक बहुत ही सिंपल तरह से हम एक जगह पे कर सकते हैं। आप और भी इसके साथ प्ले कर सकते हो, राइट। जैसे जैसे SIPs कर रहे हो तो आप इसको और कॉम्प्लिकेट, जो भी अच्छे से एक्सेल और गूगल शीट जानते हैं, फॉर्मूलेज XIR वगैरह के जानते हैं, तो वो मतलब जब भी SIP करनी है फ्यूचर में, आप उसकी डेट डाल दो, उसकी वेट डाल दो, उसके हिसाब से आप कितनी NAV पे आपने लिया, तो वो सब डाल के हम आगे XIR वगैरह भी कैलकुलेट, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके इसको काफ़ी अच्छे से इसको बना सकते हैं। अब ये और डेली चेंज होगा, ये बेस्ट पार्ट है ना। अब और स्टॉक्स तो हर सेकंड चेंज होते हैं, मतलब 20 सेकंड का शायद डिले आता है स्टॉक प्राइस में, बट आप इसको खोल के, मतलब जिनको वैसा करना नहीं चाहिए बट जिनको रखना है करंटली, वो पोर्टफोलियो ट्रैकर में भी आप रेगुलरली हमारा वो स्टॉक के प्राइस देख सकते हैं। सिमिलरली अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट इज़ नॉट ओपन, तो यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट जब मार्केट ओपन होगा तो आप ये प्राइजेस चेंज होते हुए देखेंगे, मार्केट कैप चेंज होते देखेंगे, PE चेंज होते हुए देखेंगे, वन डे गेन चेंज होते हुए कंसिस्टेंटली यहाँ पर देखेंगे, और उस हिसाब से आपके सारे फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली आपको गेन्स भी अपने चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो ये काफ़ी एक यूजफुल टूल लगा मुझे फॉर पीपल जिनका पोर्टफोलियो जो है काफ़ी मतलब मुश्किल से ट्रैक कर पाते हैं, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें हम सब यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें भी गूगल बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, तो आई एम श्योर ये आगे और बढ़ेगा। दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू ब्रिंग। आई होप दैट आपको ये अच्छा लगा। जैसा मैंने बोला, इसका एडवांस वर्जन पोर्टफोलियो ट्रैकर जो है वो हमारे investor.in वेबसाइट पे है, ठीक है। उसमें क्या है, एक साथ अपलोड वगैरह भी सब हो जाता है, यहाँ पर क्या एक एक करके डालना पड़ेगा। बट अगेन, जो एक्सेल का और गूगल शीट की जो इजीनेस है, और सम जिन लोगों का वो यूज़ करना पसंद है, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको इजीनेस मिल जाती है फॉर श्योर। investor.in वेबसाइट पर ज़रूर चेक कीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर अगर अभी तक नहीं किया है। रिपब्लिक कूपन कोड के साथ आपको 55% डिस्काउंट मिनिमम फ्लैट वो मिल रहा है, और साथ में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड के कोर्सेज कंप्लीटली फ्री मिल रहे हैं। दैट इज ऑल आई हैव। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों। जय हिंद।